भोपाल में इन दिनों ई रिक्शा में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिस कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। ई रिक्शा और ऑटो चालकों की वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन अब इस मनमानी पर लगाम लगाने वाली है यातायात पुलिस। यातायात पुलिस ने इस सबको रोकने के लिए, व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। भोपाल में ई रिक्शा चालकों ने अव्यवस्था फैला रखी है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नए नियम के अनुसार ई रिक्शा चालक अब अपने घर से केवल 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपने वाहन चला पाएंगे। ये कदम शहर में यातायात की व्यवस्था को सुधारने और हादसों को कम करने के लिए उठाया गया है। यातायात DSP संजय सिंह ने बताया कि अभी तक ई रिक्शा चालकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं के कारण अब एक सीमा तय की जाएगी। इस नए नियम का उद्देश्य शहर में यातायात की स्थिति को बेहतर बनाना है और ई रिक्शा चालकों की अनियमितताओं पर नियंत्रण रखना है। नए नियम के तहत ई रिक्शा के लिए अलग से स्टैंड भी बनाए जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। जी हाँ, ये सही है। हमने इसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया हुआ है और ये ड्राफ्ट जो है जो सड़क सुरक्षा समिति होती है उसकी बैठक में लाया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से ही इस ड्राफ्ट को अमल में लाया जा सकता है। अभी तक जो ई रिक्शाज हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध कानूनों के अंतर्गत नहीं है और जिसकी वजह से अभी ई रिक्शा के परिचालन में संचालन में अव्यवस्थाएँ हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके अंतर्गत नियम और कानूनों के अंतर्गत उसके अनुसार ही उनका परिचालन और संचालन किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।